हेलो गाइस, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं रूफटॉप गार्डन। विंटर सीजन ख़त्म होने वाला है और गर्मी के मौसम शुरू होने से पहले गर्मी में फ्लावरिंग करने वाले प्लांट्स के ऊपर कुछ काम आपको अभी कर लेना चाहिए, ताकि आने वाले गर्मी के मौसम में आपको बहुत सारे फ्लावरिंग मिल सके। तो उन सब के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सरस्वती पूजा शुरू होने के एक दो दिन पहले से ही आप कटिंग प्रूनिंग अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो उस हिसाब से मैं मेरे सभी प्लांट की कटिंग प्रूनिंग कर चुका हूँ। और कटिंग आपको मेन ब्रांच को ज़मीन से 1.5 से 2 इंच ऊपर करना है। अगर आपके प्लांट पॉट पे लगा है तो आपको हर साल कटिंग प्रूनिंग करना चाहिए। इससे आपके प्लांट का ग्रोथ बहुत ही अच्छा होगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग मिल पाएगा। तो ये तो गया कटिंग और प्रूनिंग, जो अभी आपको कर लेनी चाहिए। तो कटिंग और प्रूनिंग करने के बाद ही आपको पौधे पे देना चाहिए फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र में मैं हमेशा ही ऑर्गेनिक खाद का अप्लाई करता हूँ, जैसे कि काउडंग फर्टिलाइज़र या फिर मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र। इन सब फर्टिलाइज़र को आप डायरेक्ट पॉट के अंदर दे सकते हैं, या फिर चाहे तो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर भी दे सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट पॉट के अंदर देना चाहते हैं तो आपको हल्की गुड़ाई कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही आप खाद का अप्लाई कर सकते हो। गुड़ाई आपको 1.5 से 1 इंच तक करना चाहिए। इसके बाद खाद अप्लाई करके बहुत ही अच्छे से वाटरिंग दे दीजिए, तो पौधे का ग्रोथ आने वाले समय में बहुत ही अच्छा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ्लावरिंग मिल पाएगा। लेकिन मेरे गार्डन में बहुत सारे प्लांट हैं, इसलिए मैं गुड़ाई नहीं करता हूँ। पानी के साथ फर्टिलाइज़र को मिक्स करके जैसे वाटरिंग करते हैं, उसी तरह हर एक प्लांट पे मैं दे देता हूँ। ऐसा आपको हर 15 दिन के अंतराल पे करना चाहिए, मतलब महीने में एटलीस्ट 2 बार करने से पौधे का ग्रोथ बहुत ही अच्छा होगा और बहुत सारे फूल खिलेंगे। अगर आपके पास ऑर्गेनिक खाद नहीं है तो आप इनऑर्गेनिक खाद का भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि DAP पोटास का मिक्स, NPK 20-20-20 खाद अप्लाई करके भी आप बहुत अच्छा फ्लावरिंग पा सकते हैं। 10 इंच पॉट के हिसाब से 1 टीस्पून DAP पोटास का मिक्स या फिर NPK आप पॉट के साइड बराबर दे दीजिए हल्की गुड़ाई करके। इस तरह आप 15 से 20 दिन के अंतराल पे करते रहिए तो आपके प्लांट पे बहुत अच्छा फ्लावरिंग होगा। तो ये तो गया खाद के बारे में जानकारी। इन सब के अलावा एक काम आपको कर लेनी चाहिए, वो है इंसेक्टिसाइड या फिर पेस्टिसाइड का अप्लाई आपको करना चाहिए, क्योंकि इस समय हिबिस्कस जैसे प्लांट के ऊपर बहुत ज़्यादा पेस्ट का अटैक होता है फरवरी के महीने में। तो आपको इस समय रोगर इस्तेमाल करना चाहिए। 1 लीटर पानी के साथ 10 ड्रॉप रोगर मिक्स करके आप बहुत ही अच्छे से शाम के वक्त स्प्रे कर दीजिए, तो आपके प्लांट पे ऊपर कभी भी पेस्ट का अटैक नहीं होगा। इस तरह आप 10 से 12 दिन के अंतराल पे करते रहिए तो पौधे का ग्रोथ भी अच्छा रहेगा और पौधे पे बहुत अच्छा फ्लावरिंग होंगे। तो इन सब के अलावा और एक काम आप कर सकते हैं, अगर आपके प्लांट पॉट पे लगा है और ये 2 साल से ऊपर हो चुका है तो आपको रिपॉटिंग भी करना चाहिए। और रिपॉटिंग करने के साथ ही साथ हल्की रूट प्रूनिंग अगर आप कर दे तो पौधे के ग्रोथ भी अच्छे से शुरू हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में प्लांट पे फ्लावरिंग मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, ये तो गया समर सीज़न में फ्लावरिंग करने वाले प्लांट के बारे में थोड़ी सी जानकारी, मतलब इस समय आप क्या क्या काम कर सकते हैं फरवरी के एंड पे, ताकि आपके प्लांट पे गर्मी के मौसम में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग हो सके। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह नए नए ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।